अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज की ये दूसरी वीडियो है हमारी फार्म हाउस की। कल हम देख के गए थे, तो आज जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पर आके सिलेक्ट करेंगे जानवर, क्योंकि ये कह रहे थे आज दूसरे जानवर आ जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह अपने जानवर देखेंगे, उसके बाद जो है वो फिर अगर पसंद आ गए तो पेमेंट करके उन पर इंशाल्लाह लगा के चले जाएंगे। फिर इंशाल्लाह बकायद वाले दिन आके इनकी कुर्बानी करेंगे। आपकी देखी हुई है वही जगह हम आए थे, ले लेंगे ले लेंगे। आए थे और आज दूसरा दिन है। ये लीजिए साहब, और यहाँ पर जो है वो जानवर, कुछ नए जानवर नजर आवे हैं, नजर आवे हैं। कुछ जानवर नजर आ रहे हैं नए, तो इंशाल्लाह जो है आज यहाँ पर जो है वो आप अपनी पसंद के जानवर को देख लेंगे। अच्छा, तो आप देखें जानवर तो माशाल्लाह इनके पास अच्छे खासे आए, दुम्बे ख़ासतौर पे बहुत कुछ नए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कल रात में ये ट्रक आया है 9 बजे, और सुबह ही 7 बजे से लोगों ने आके अपने लिए यहाँ सेलेक्ट करना शुरू कर दी, तो काफ़ी पे नंबर लग चुके हैं। लेकिन देखें हमको क्या मिलता है, ऐसे हम कोशिश करेंगे कि हमें भी हमारे कुर्बानी के जानवर मिल सकें। यहाँ तो सारे दुम्बे ही हैं, और हम जो है बकरों की तरफ जा रहे हैं, तो बकरा जो है ये देखें पहला बकरा निकाला है भी दो दांत पूरा मुकम्मल। चलें, एक बकरा तो ये हो गया, ठीक है, इस पे नंबर दिलवाते हैं। इस पे नंबर दिल जाएगा, ये नंबर इन्होंने डाला 1। यानी 138 नंबर इन्होंने इस बकरे को अलाट किया। इससे कबल 138 बकरे जो है इनके वो सोल्ड हो चुके हैं, जा चुके हैं। और यूँ समझ लीजिए कि ये बता रहे थे कि इनके तकरीबन 150 के करीब तो बकरे यहाँ के जो इस लाट में हैं वो बिक चुके हैं, और 200 इनके पास किसी और जगह पर है वो सब बिक चुके हैं। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 350 बकरे इनके जो बिक गए। अच्छा, देखिए बकरे जो है वो माशाल्लाह अच्छे हैं और नज़र आ रहे हैं, सेहतमंद भी हैं। लेकिन यहाँ के बकरे आप देख चुके हैं कि किस तरह के होते हैं, ये बिल्कुल स्टाइल सेम है, छोटे होते हैं, थोड़े से गटे हुए होते हैं, भारी जिस्म के होते हैं, और ख़ास तौर पे जो ब्राउन गर्दन वाले होते हैं बकरे, ये ज़्यादा यहाँ पर फेमस हैं। अच्छे बोर नस्ल कराती है, बड़ी मशहूर है ये बकरा जो है, इसका गोश्त के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। दूसरा बकरा हमने ये सिलेक्ट किया था, और ये देखें इसको भी, इसका भी नंबर दिला है 138। इस पर मैंने अपना इनिशियल भी लगवा दिया SI, ताकि ये कि वो पहचान रहे 138, और ये जनाब SI, ठीक है। तो दूसरा बकरा ये सिलेक्ट किया, उसके बाद साहब इस पर भी नंबर दल रहा है, ठीक है। एक तो बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, वो तो ये मैक्सिकन है जो बेचारे पकड़ लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया अभी, ये बकरा जो है वो खसी है, ठीक है। देखें माशाल्लाह अच्छा बराबर बकरा है, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इस पे पहले इरादा था, लेकिन फिर कहा कि नहीं ये किस पे नंबर दला हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये ब्राउन गर्दन एक और नज़र आया है, खूबसूरत बकरा, यंग गोट, कोशिश कर रहा है बेचारा पकड़ने की, इसको लगा हुआ है, पकड़ ही लेगा। खैर ये है पकड़ा इसने, ये दोनों जो हैं वो बहुत चाबुक दस्ती से काम करते हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत और गोल मटोल सा बकरा है, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि बकरा है ये, बकरी तो नहीं है, तो हाँ जी हाँ ये भी बकरा है और खसी बकरा है ये भी। 1003 इसका नंबर है, लेकिन हमने अपना निशान जो है उस पर 138 ही दलवाया SI, ताकि हमारे अपने गोटों की एक अलग ही पहचान रहे, ठीक है जनाब। ये हो गया जनाब दूसरा बकरा। तीसरा बकरा जो है वो ये मासूम सीधा साधा भोला भाला खड़ा हुआ था, इसको हमने जो है वो
सेलेक्ट किया है और उनको कहा कि इसको पकड़ ले, ये लीजिए साहब, इसने बड़ी चाबुकदस्ती से इसको पकड़ लिया होशियारी के साथ। तो ये भी हाथ में आ गए साहब और इस पे भी नंबर दल जाएगा। डाल दो भाई जल्दी नंबर डाल दो इसपे। ये लीजिए जनाब, इसके ऊपर भी नंबर डल रहा है, क्योंकि अगर नंबर ना डलेंगे तो हमको बकराईद वाले दिन, जिस दिन हम कुर्बानी के लिए आएंगे, हमको बड़ी मुश्किल हो जाएगी ढूंढना उस दिन। तो बड़े बड़े नंबर हैं, अब उस पर करना ही होगा कि हम सिर्फ इनको नंबर बताएंगे कि हमारा बकरा ये, इनके इनके लोग जो है उसको पकड़ के हमें देंगे। ठीक है, ये भी हो गया साहब माशाल्लाह। इस तरीके से ये हमारे जो है वो चार गोट जो है वो मुकम्मल हो गए थे। एक ये गोट जो है हम अपने दोस्त के लिए देख रहे थे, इरफान भाई के लिए, तो नज़र ये पड़ी कि इसकी जो है वो सींग एक थोड़ी छोटी है और एक बड़ी है, तो ये शक हुआ कि शायद सींग टूटी हुई है। तो इसकी सींग को सब जो है वो मेजर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सींग जो है वो थोड़ी सी बड़ी है और एक सींग छोटी है, तो यकीनन ये टूटी है। तो इसलिए जो है बकरा बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा था, बहुत सेहतमंद बकरा था, तो इस वजह से जो है वो मशवरा ये हुआ कि नहीं, इसको इस बकरे को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कुर्बानी का मामला है, हर चीज़ मुकम्मल होनी चाहिए। तो उसको छोड़ दिया, फिर ये दूसरा ये खड़ा था बकरा एक, अच्छा ये भी अच्छा है, सेहतमंद बकरा है, ठीक है, इस पर नज़र टिकी। तो उसको बुला के हमने कहा कि भाई इसको भी ज़रा गिरफ्त में लो। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत बकरा है। तो ये इरफान भाई के लिए जो है वो ये ले लिया बकरा 140, इस पर इसने नंबर डाला है और उनके नाम का इनिशियल IR, इंटरनल रेवेन्यू, IR हो गया। तो ये हो गया साहब, इरफान भाई के बकरे हो गए। अब उसके बाद जो है वो हमारे दोस्त अजमत भाई, जिन्होंने जो हमारे साथ पूरे टूर में मौजूद रहे, अब उनके जो है वो उनके लिए लैम तलाश कर रहे हैं, और लैम जो है वो उन्होंने एक गोट अपना पसंद कर लिया है। ये बकरे भी हमारे सामने आके लड़ रहे थे, तो इनको बार बार इनको हटाना पड़ रहा था कि भाई खुदा के वास्ते ज़रा दूर हट के लड़ लो यार, सारी लड़ाई इधर ही करनी है। तो ये लैम उनके लिए, जो कई लैम देखे उस पर, लेकिन क्यों वो चाह रहे थे कि पूरी तरह नर हो जो है वो लैम, तो उसके लिए वो भी और फिर ज़रा सेहतमंद भी हो, तो कई जो है देखने के बाद फिर ये उनके लिए उनको पसंद आया। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लैम है, तगड़ा, सेहतमंद, खूबसूरत, तो ये लैम जो है वो इन पे, इस पे इनका नंबर दल गया 139 AZ, ये नंबर दल गया इनका, ये नंबर इसका दला और ये दुम्बा इनका हुआ। और ये गोट जो है इनके लिए पसंद किया उन्होंने खुद ही अपने लिए, हजमत भाई ने, तो ये गोट भी हो गया इनका माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह क्या गोल मटोल गोट है, खूबसूरत साफ सुथरा था। तो इस तरह ये जो है हमने अपने जानवरों की सिलेक्शन कर ली है, और उम्मीद है आपको हमारे जानवर भी पसंद आए होंगे, और साथ साथ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बग़ैर किसी तकल्लुफ के इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इसी तरीके की वीडियो हम आपको और यूट्यूब पे डालते रहेंगे, ताकि आप देख सकें यहाँ की कुर्बानी और यहाँ का माहौल। इंशाल्लाह कुर्बानी वाले दिन की वीडियो तो हम आपको ज़रूर डालेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव ख़वातीन हज़रात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ये चलें फिर हम यहीं पर अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।